Okay, class, we have already discussed about ordinal numbers. Now we are going to do our exercise number one, column matching. ठीक है, हमें ordinal number name को उनके ordinal number के साथ match करना है. ठीक है, I'm going to start. First है तो हम अब यहाँ पे find out करेंगे 9th, 7th, 1st. तो हमने 1st को 1st के साथ match कर दिया. ठीक है, अब now 2nd है तो हम find out करेंगे where is 2nd. So the last one is the 2nd one. तो हमने 2nd को match कर दिया. ठीक है, नाउ थर्ड है तो हम थर्ड को थर्ड के साथ मैच कर देंगे. फोर्थ है तो फोर्थ को फोर्थ के साथ मैच कर देंगे. हियर इज फोर. फिफ्थ है सो इसको हमने फिफ्थ के साथ मैच किया है. सिक्स्थ है, सिक्स को सिक्स के साथ हमने मैच किया है. सेवेंथ है, हियर इज सेवेंथ. एट्थ, नाउ नाइन्थ, नाइन्थ इज द फर्स्ट वन. एंड टेंथ. ठीक है, तो ये हमने अपनी एक्सरसाइज नंबर वन सॉल्व कर लिए है, कॉलम मैच कर दिए हैं. ओके क्लास, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व आवर एक्सरसाइज नंबर टू. यूज द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन एंड कलर द गिवन सेट ऑफ कॉर्न आइसक्रीम. ठीक है, आपकी एक्सरसाइज नंबर टू है, मैं आपको उसका क्वेश्चन सॉल्व करके यहाँ पे बता रही हूँ, फिर आप नेक्स्ट खुद सॉल्व कीजिएगा. कलर दी थर्ड, सिक्स, नाइन्थ, इलेवेंथ कॉर्न आइसक्रीम ब्लू. ठीक है, यहाँ पर वो हमें कह रहा है कि हमने कलर करना है थर्ड आइसक्रीम को. सिक्स, नाइन्थ और इलेवेंथ आइसक्रीम को कौन सा कलर करना है, हमने ब्लू कलर करना है. ठीक है, तो पहले हम यहां से फर्स्ट से स्टार्ट हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है हमारी फर्स्ट आइसक्रीम ये होगी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड. तो हमने थर्ड आइसक्रीम को क्या कलर करना है, ब्लू. ठीक है, नेक्स्ट सिक्स्थ आइसक्रीम है. ठीक है, थर्ड है, नेक्स्ट ये हमारे पास फोर्थ आइसक्रीम होगी. नेक्स्ट इज फिफ्थ वन एंड सिक्स. अब सिक्स वन जब आइसक्रीम आ जाएगी तो हम इसको कलर कर देंगे ब्लू. ठीक है, अब नाइन्थ आइसक्रीम है, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ. नाइन्थ आइसक्रीम है तो नाइन्थ आइसक्रीम को भी हमने क्या कलर करना है, ब्लू. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है इलेवेंथ. ठीक है, अब यहाँ पे टेंथ आएगा और लास्ट वन इज दी इलेवेंथ वन. तो इलेवेंथ आइसक्रीम को भी हम क्या कलर करेंगे, ब्लू. ठीक है, यहाँ पे एक आइसक्रीम्स थी, हमने पहले उनको अकॉर्डिंग टू देयर ऑर्डिनल नंबर उनको ऑर्डर दे दिया. ठीक है, फिर इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंगली जिन आइसक्रीम्स को हमने ब्लू कलर करना था उन्हें हमने ब्लू कलर कर दिया. ठीक है, ओके क्लास, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व फॉर एक्सरसाइज नंबर थ्री. आइडेंटिफाई द ऑर्डिनल पोजिशन ऑफ द लेटर्स. ठीक है, हमने लेटर्स की ऑर्डिनल पोजिशन फाइंड आउट करनी है. अब आपको पता है अल्फाबेट्स होते हैं इंग्लिश के, वो एक सीक्वेंस में ही होते हैं. ठीक है, तो उनकी हमने अब ऑर्डिनल पोजीशन बतानी है. उसके लिए हम यहाँ पे आपको ऑर्डिनल नंबर नेम यहाँ पे लिखे हुए नजर आ रहे हैं, तो मैं इनके ऊपर अल्फाबेट्स को राइट कर लेती हूँ ताकि हमें आसानी रहे फाइंड आउट करने के लिए, इनके इजी रहे अल्फाबेट्स की पोजिशन फाइंड आउट करने के. ठीक है, तो फर्स्ट लेटर होता है हमारा ए, सेकेंड इज बी, थर्ड सी, फोर्थ डी, फिफ्थ ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस. ठीक है, तो मैंने इनके ऊपर अल्फाबेट्स राइट कर रहे हैं. भैया हम यहां से फाइंड आउट करेंगे पोजीशन ऑफ एच. एच इज द डैश लेटर, तो यहां पे मैं देखूंगी हमारा अल्फाबेट एच इज हियर. तो एट की ऑर्डिनल पोजीशन क्या आ रही है, एट. तो वी विल राइट हियर ई आई जी एच टी एच एट. ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा अल्फाबेट है टी, तो हम यहां से फाइंड आउट करेंगे टी की ऑर्डिनल. ठीक है, हम यहाँ पे एच की पोजीशन फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पे एच है और उसके ऑर्डिनल पोजीशन है एट. तो हम यहाँ पे राइट करेंगे ई आई जी एच
टी एच ए, ठीक है। अब हमने टी की पोजीशन फाइंड आउट करनी है, तो हम यहाँ पे देखेंगे टी की पोजीशन है 20, टी डब्ल्यू ई एन टी आर ई टी एच 20। नेक्स्ट है क्यू, क्यू की पोजीशन है 17, तो हमने यहाँ पे राइट करना है एस सी बी ई एन 7 टी डबल ई एन टी एच 17। नेक्स्ट हमारे पास अल्फाबेट ए, तो ए की पोजीशन है फर्स्ट, एफ आई आर एस टी फर्स्ट। नेक्स्ट है हमारे पास अल्फाबेट पी 16, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर के है, तो के की पोजीशन है 11, ई एल ई बी ई एन टी एच 11। ई है, तो ई की ऑर्डिनल पोजीशन है हमारे पास 5th, एफ आई एफ टी एच 5th। आर है, आर की ऑर्डिनल पोजीशन है हमारे पास 18, ई एन टी एच 18। नेक्स्ट लास्ट अल्फाबेट है हमारे पास 9, तो हमने यहाँ पे एस है, तो एस की पोजीशन है 19, ठीक है क्लास।